Vayam Prabha. Digital India. Educated India. स्वच्छता का समाजशास्त्र पाठ्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है आज इस दस व्याख्यान वाली श्रृंखला का नौवा व्याख्यान है जिसमें हम इस बात बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं कि भारत सरकार द्वारा कौन कौन सी वो नीतियाँ हैं कौन कौन सी वह योजनाएँ हैं जो स्वच्छता को सुधारने के लिए या स्वच्छता को बनाए रखने के लिए भारत में चलाई जा रही है इससे पूर्व हमने विस्तृत व्याख्या की थी स्वच्छता से संबंधित कि अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य क्या है स्वच्छता से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या वास्तविकताएं हैं कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं और इसको सुधारने के लिए व्यापक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं यह हमने अपने पिछले व्याख्यान में चर्चा की थी आज का यह व्याख्यान इस बिंदु पर केंद्रित रहेगा कि भारत सरकार द्वारा निश्चित रूप से समाज के सदस्य होने के नाते हम सब मिलकर बहुत कुछ योगदान दे रहे हैं आप अपने अपने क्षेत्र में बहुत कुछ कार्य कर रहे होंगे लेकिन सरकार भी अपने दायित्व को निभाने के लिए कई ऐसे योजनाएं बनाए रहते हैं या ऐसे योजना बनाते रहते हैं कि इससे यह लाभ होता है कि जो लोग उस रूप से सक्षम नहीं हैं, जो या तो स्वयं शौचालय बना पाए या पीने की व्यवस्था पानी की जो पीने की पीने का जो पानी होता है उसकी खुद व्यवस्था कर लें इन सब कारणों में या और कई कारण हैं जिसमें अगर सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिल जाए तो वह स्वच्छता को आगे बढ़ाने के लिए या स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है जब हम इन सब बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि यह जो योजनाएं हैं यह कुछ ध्यान में रखते हुए पूरे भारत के अलग अलग क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती हैं जिस पर बल दिया जाता है इन बिंदुओं पर कि किसी को इससे कोई नुकसान न हो और साथ ही जो हमारा कार्यक्रम है वह सुचारू रूप से चलता रहे इसके लिए कई तरह की आर्थिक सहायता दी जाती है कई तरह की और योजनाएं बनाई जाती हैं जिससे समाज के सभी तबके के लोग सभी वर्ग के लोग इन विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी बन सकें निश्चित रूप से वर्तमान परिवेश में जब हम सब पूर्णतः सजग हैं स्वच्छता से संबंधित वातावरण का निर्माण करने के लिए स्वच्छ पर्यावरण को रखने के लिए इसमें कई ऐसे योजनाएं चल रही हैं जिसके बारे में आज आप स्वतः जान रहे हैं या उसका लाभार्थी भी आप हैं या आप उसके बारे में चर्चा करते रहते हैं किंतु ऐसे भी कुछ योजनाएं हैं जो बहुत समय पहले से चली आ रही है भारत में ऐसा नहीं है कि स्वच्छता के बारे में हम इसी बीच में सजग हुए हैं जैसा कि पूर्व के व्याख्यान में हम चर्चा कर सक कर रहे थे कि हमारी जो परंपरा है हमारी जो स्वच्छता की संस्कृति है वह प्राचीन काल से भारतीय समाज में चली आ रही है पर प्राचीन काल से चली आ रही इन मान्यताओं का इन सांस्कृतिक विशेषताओं का जब भूमंडली के कारण या सामाजिक परिवर्तन के कारण कुछ इसमें परिवर्तन होने लगे या ऐसा देखा गया कि हम जो जिस परंपरा से चले आ रहे थे या जितनी सजग थे हम कुछ कारणों से चाहे वह हमारा स्थानीय कारण हो चाहे राज्य स्तर का चाहे विश्व स्तर का या राष्ट्र स्तर का कोई भी कारण हो उसके कारण पर्यावरण कुछ दूषित हो रहा है या स्वच्छता का माहौल कुछ बिगड़ रहा है क्योंकि हम अब वह परंपरागत रूप से वह सारी चीजें नहीं कर पाएंगे जिसके कई सारे कारण हैं जिसके कारण कई समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं जब यह राष्ट्र स्तर पर ऐसा अनुभव किया गया कि हमें निश्चित रूप से शीघ्रातिशीघ्र स्वच्छता के बारे में शौचालय के बारे में जल के बारे में पर्यावरण के बारे में इन सब चीज़ों के बारे में निश्चित रूप से योजनाएं बनाने चाहिए क्योंकि अंततः जब जब तक हम स्वास्थ्य ठीक नहीं रखेंगे तब हम समाज में अपना विकास नहीं दे सकते हैं और हमारा स्वास्थ्य निश्चित रूप से इस पर आधारित है कि हमारे आसपास का पर्यावरण कैसा है स्वच्छता का माहौल कैसा है इस पर हम निश्चित रूप से अपना भी योगदान दे सकते हैं और साथ ही सरकार द्वारा विभिन्न सरकार द्वारा जो योजनाएं हैं उसका लाभ लेते हुए उसको अपने समाज के अनुरूप ढालकर उस दिशा में भी हम मदद कर सकते हैं योजनाओं को क्रियान्वित करने में तो जैसा कि हम बता चुके हैं हम पहले कुछ ऐसे योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे जो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया गया था पहले से चले आ रहे हैं यह एक पृष्ठभूमि के रूप में आपको पता चलेगा कि स्वच्छता से संबंधित कई ऐसे योजनाएं हैं जिसके बारे में हम चर्चा करते आ रहे हैं या योजनाएं बना रहे हैं नीतियां बन चुकी हैं और उसके आधार पर हम समयुकूल जब, जब जब जैसा हमें महसूस हुआ हमने यह स्वीकारा कि वर्तमान परिवेश इसमें यह जो नीतियां हैं इसमें आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है या यह जो यो योजना है यह उचित रूप से लाभार्थी तक नहीं मिल पा रहा है फिर हमने या तो उसमें नाम परिवर्तन किया या उसने योजना को हमने बदला इस तरह से कई योजनाएं बनती गई और उसी का परिणाम है कि आज हम स्वच्छता की ओर अग्रसर हो रहे हैं और स्वच्छता की बात कर रहे हैं अब हम एक एक करके उन योजनाओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे जिससे शुरू के कुछ योजनाओं से आपको पता चलेगा कि आज जो हमारी यह दशा है वह उसी समय से उस पर हम मंथन करना शुरू कर दिए थे उसकी जो समय सीमा है वो भी समाप्त हो चुकी है उन योजनाओं की क्योंकि वह योजनाएं बहुत पहले प्रारंभ हो चुकी थी किंतु पृष्ठभूमि के रूप में आपको निश्चित रूप से उन योजनाओं के बारे में भी जानने की ज़रूरत है जिससे आप ये अनुभव कर सकें आप यह जान सकें कि अभी जो कई योजनाएं चल रही हैं नीतियां चल रही हैं उसमें और जो पुरानी नीतियां थी उसमें क्या अंतर थे उससे आपको यह भी पता चलेगा कि पहले की समस्याएं कुछ और थी पहले निदान करने के उपाय कुछ और थे आज चूँकि प्रकृति जो है वह निश्चित रूप से परिवर्तनशील है आपका समाज भी परिवर्तनशील है तो इस परिवर्तनशील समाज के लिए अलग अलग तरह की चुनौतियाँ होती हैं और निश्चित रूप से उन चुनौतियों का सामना करने के लिए आपको अलग अलग तरह की चीज़ें सोचनी पड़ती है सरकार को अलग अलग योजनाएं बनानी पड़ती है आइए हम अब चर्चा करते हैं उन सब योजनाओं की जो भारत सरकार द्वारा स्वच्छता से संबंधित बनाई गई है इस प्रसंग में अगर हम शुरुआत करें सबसे पहले उन्नीस में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी जो पूर्णतः स्वच्छता से संबंधित है जैसा कि आप जान सकते हैं नाम से ही यह स्पष्ट हो रहा है इसका प्रमुख उद्देश्य था ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना महिलाओं को गोपनीयता और सम्मान प्रदान करना यहाँ यह आप जान सकते हैं कि जब हम अन्य व्याख्यानों में लैंगिक असमानता और स्वच्छता की चर्चा कर रहे थे उस समय भी हम बात कर रहे थे कि महिलाओं को गोपनीयता और गरिमा की खास जरूरत पड़ती है क्योंकि चाहे वह खुले में शौच हो या अन्य स्वच्छता से संबंधित अन्य और कुछ और हो इसमें निश्चित रूप से पुरुषों की भी गरिमा होती है उनको भी गोपनीयता की ज़रूरत होती है किंतु अगर हम यह देखें महिलाओं के उनके जो जैविक स्वरूप हैं उनके जो शारीरिक रचना है इनके कारण उनको गोपनीयता की ज़्यादा जरूरत होती है जो उस समय भी माना गया था और इसीलिए इसके उद्देश्य में इसको रखा गया है ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए पुनर्गठित केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत संपूर्ण स्वच्छता अभियान जो 1999 में शुरू किया गया था और इस संपूर्ण स्वच्छता अभियान के उद्देश्य इस प्रकार हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की सामान्य गुणवत्ता में सुधार लाना 2012 तक जो कि अब तो बीत चुका है 2012 तक सभी के लिए शौचालयों की पहुंच हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज में तेजी लाना यहाँ दो चीज आप अच्छी तरह से जान सकते हैं जब हम इसकी चर्चा कर रहे हैं एक तो इसमें विशेष बल दिया गया है ग्रामीण क्षेत्रों में क्योंकि माना यह जाता था कि पहले जब यह योजना बनाई गई थी ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का अवसर उतना नहीं था लोग जागरूक कम हुआ करते थे उनको साफ सफाई से संबंधित या स्वच्छता से संबंधित जानकारियों के अभाव रहते थे क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी या आजकल जिस तरह से चाहे वो टेलीविजन हो समाचार पत्र हो इसका व्यापक प्रचार प्रसार हो रहा है उस समयों में नहीं हुआ करता था इसी तरह से यह माना गया कि स्वच्छता की जरूरत वहाँ ज्यादा है इसलिए ऐसी जो योजनाएं बनी थी उसमें ग्रामीण क्षेत्रों पर ज़्यादा बल दिया गया था साथ में यह जो आपने देखा है कि कई और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं पूरे को उसमें कवरेज दिया जाए या ऐसे कई क्षेत्र हुआ करते थे जहां सड़क मार्ग ठीक से वहां तक नहीं पहुंच पाता था कई अधिकारी वहां तक नहीं जा सकते थे या कई ऐसे पहाड़ी क्षेत्र में हुआ करते थे ऐसा सुदूर क्षेत्र था जहां वहां तक उस अधिकारी को या उस जो संबद्ध व्यक्ति थे उन तक उनको वहां तक पहुंचना कठिन होता था इसीलिए इन योजनाओं के माध्यम से ऐसी प्रावधान की गई थी या ऐसा उद्देश्य निर्धारित किया गया था कि चाहे कितने भी सुदूर क्षेत्र में हो चाहे जैसा भी वह ग्रामीण क्षेत्र हो वहाँ भी स्वच्छता की उतनी ही जरूरत है इस तरह से संपूर्ण क्षेत्र को निश्चित रूप से इन योजनाओं में शामिल किया जाए जिसका इस पर बल दिया गया था ग्रामीण क्षेत्रों में इस कार्यक्रम की महत्ता को मानते हुए इसके जो अन्य उद्देश्य हैं वह कुछ इस प्रकार से हैं जागरूकता सृजन और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से स्थायी स्वच्छता सुविधाओं को बढ़ावा देने वाली समुदायों और पंचायती राज संस्थाओं को प्रेरित करना जैसा कि आप सब जानते हैं हम कोई भी कार्यक्रम करें वह सतही लेव स्तर पर उसकी क्या वास्तविकताएं हैं इसको जानने के लिए हमें निश्चित रूप से पंचायती राज संस्था या वहां के जो स्थानीय समाज के लोग हैं उनसे जानकारी लेनी है इसीलिए उसको प्राथमिकता में रखा गया है इसका अगला उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में मार्च 2008 तक स्कूलों और मार्च 2009 तक आंगनबाड़ियों को स्वच्छता सुविधाओं से आच्छादित करना और छात्रों के बीच स्वच्छता शिक्षा और स्वच्छता संबंधी आदतों को बढ़ावा देना दूसरा उद्देश्य है पारिस्थितिक रूप से सुरक्षित और टिकाऊ स्वच्छता के लिए लागत प्रभावी और उचित प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करना और ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हुए समुदाय प्रबंधित पर्यावरण स्वच्छता प्रणाली विकसित करना जैसा कि आप सब जान सकते हैं कि यह जो विभिन्न उद्देश्य है इसमें इस बात पर बल दिया गया है कि हम जब स्वच्छता की बात कर रहे हैं स्थानीय स्तर पर उसकी क्या क्या जरूरतें हैं और साथ ही न सिर्फ स्थायी स्तर पर अपितु समुदाय के हिसाब से या समाज के हिसाब से क्योंकि आप जानते हैं स्वच्छता का, का जो इम, स्तर है या स्वच्छता का जो माहौल है वहाँ की संस्कृति पर भी निर्भर करता है वहाँ की संस्कृति में इसको किस तरह से देखा गया है कौन कौन से सांस्कृतिक प्रतिमान हैं जिसके आधार पर इसको हम समझ सकते हैं कि यहाँ स्वच्छता के लिए यह अनिवार्य है खास करके सामाजिक स्तर पर ही या उस निचले स्तर पर ही लोगों को पता चलता है कि स्वास्थ्य से संबंधित स्वच्छता से संबंधित यह जो योजना है इसमें अगर उन तबके के लोगों के लिए उन खास वर्गों के लोगों के लिए विशेष ध्यान जाए, जाए, दिया दिया इस पर भी बल दिया जाता है इस तरह से आपने देखा कि ग्रामीण स्तर पर समग्रता को लेते हुए स्वच्छता से संबंधित जो जो समस्याएं थी उस बात पर उस पर समय बल दिया गया था और यह भी आप देखिए कई ऐसी समस्याएं आपको दिख रही होंगी जो आप समझ रहे हैं कि यह आज समस्या है जो नई समस्या है अपितु ऐसी बात नहीं है उस समय भी ऐसी समस्याएं उपस्थित थी यही कारण है कि उस समय भी योजनाओं में इन सब बातों की चर्चा की गई थी अगर हम आगे चलें इसके बाद आप देखते हैं कि 2003 में निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का शुभारंभ हुआ था संपूर्ण स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने अक्टूबर 2003 में निर्मल ग्राम पुरस्कार शुरू किया और 2005 में पहला पुरस्कार दिया यह पुरस्कार उन पंचायती राज संस्थाओं और अन्य संस्थानों द्वारा किए गए प्रयासों को मान्यता देना चाहता है जिन्होंने अपने परिचालन क्षेत्रों में पूर्ण स्वच्छता कवरेज सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है संपूर्ण स्वच्छता अभियान सूचना शिक्षा और संचार क्षमता निर्माण और स्वच्छता शिक्षा पर जोर देता है अब आप जान सकते हैं कि यह जो पुरस्कार की योजना थी यह उस स्तर पर दिया जा रहा था जब यह माना जाना था कि प्रोत्साहन करने से या प्रोत्साहित करने से किसी को अच्छा लगता है अगर हम लोग यह सुनेंगे कि वह जो गांव है वह जो पंचायती राज है उसमें लोगों ने बहुत अच्छी तरह से योगदान दिया वहाँ का कार्य बहुत ही सराहनीय है इसके कारण इसको पुरस्कार दिया गया निश्चित रूप से अन्य लोग भी इसके लिए प्रेरित होंगे इसीलिए यह जो पुरस्कार योजना थी इसमें यह माना गया था कि इसके कारण लोग और अधिक जोश से और अधिक अच्छी तरह से अपनी भूमिका निभाएंगे अपने कार्य का निष्पादन करेंगे साथ ही इससे यह सुनिश्चित की जाएगी कि वह योजना जो है वह निश्चित रूप से सफल होगी और जब आपस में लोग प्रतियोगिता करेंगे आपस में लोग यह देखेंगे तो निश्चय ही इससे समाज का ही भला होगा और अंततः इस पुरस्कार से हमें यह पता चलेगा कि अगर हम भी अच्छा करें हम भी आगे बढ़ सकते हैं स्वच्छता में वह जो गांव है उससे आगे हम निकल सकते हैं और यह जो प्रतिस्पर्धा है यह निश्चित रूप से सकारात्मक प्रतिस्पर्धा का अंग था एक अर्थात इसमें कोई द्वेष की भावना नहीं निहित थी इसमें यह भावना अंतर्निहित थी कि अगर हम अच्छा काम कर लेते हैं हमारे गांव का पंचायत अच्छा कर लेता है तो यह हमें निर्मल गांव पुरस्कार मिल सकता है इसलिए यह काफी प्रभावकारी योजना भी रही उस समय में और सबने इसका भरपूर लाभ भी लिया अगर हम इसके उद्देश्य की चर्चा करें तो इस पुरस्कार योजना के उद्देश्य कुछ इस प्रकार से लिखे गए थे ग्रामीण भारत में विकास के लिए स्वच्छता को सामाजिक और राजनीतिक चर्चा में सबसे आगे लाना अब आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जब हम आपस में चर्चा करेंगे चाहे स्वच्छता के बारे में चाहे शौच के बारे में चाहे स्वास्थ्य के बारे में निश्चित रूप से सामाजिक स्तर पर राजनीतिक स्तर पर अगर हम इसमें चर्चा पर चर्चा करेंगे तो आपस में जब हम वार्तालाप करते हैं एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं क्योंकि जब तक हम आपस में तालमेल नहीं रखेंगे एक दूसरे से यह बात नहीं करेंगे कि उसके यहाँ क्या हो रहा है उसके यहाँ कौन कौन सी समस्याएं हो रही हैं तब हम कैसे जान पाएंगे कि इस समस्या का निदान क्या है क्योंकि कभी भी निदान खोजने के लिए उस समस्या के जड़ तक हमें जाना पड़ता है और समस्या के जड़ तक जाने के लिए आपस में तालमेल होना हम राजनीतिक रूप से सामाजिक रूप से इस पर चर्चा करें खास करके जब हम राजनीतिक और सामाजिक रूप से चर्चा करें यह भी विशेष ध्यान रखें कि उस क्षेत्र विशेष का हमारे समाज की आर्थिक स्थिति क्या है क्योंकि हमारी कोई भी योजना हो कोई भी कार्य हो किसी न किसी रूप से आर्थिक आधार से भी जुड़ी हुई होती है अगर वह व्यावहारिक स्तर पर नहीं है तो या हमें व्यवहार में वो नहीं सुधारना है तो, तो जब हम इन सब कार्यों को समाज में विभिन्न लोगों से चर्चा करते हैं हर तरह के लोगों से चर्चा करते हैं जिसमें विभिन्न जाति विभिन्न धर्म विभिन्न लोग के लोग उपस्थित होते हैं निश्चित ही उसकी सफलता की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है इसके और उद्देश्य कुछ इस प्रकार हैं खुले में शौच मुक्त और स्वच्छ गांवों का विकास करना जो दूसरों के अनुकरण के लिए मॉडल के रूप में काम करेंगे पूर्ण स्वच्छता कवरेज के माध्यम से अपने संबंधित भौगोलिक क्षेत्र से खुले में शौच की प्रथा को खत्म करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं द्वारा की गई पहल को बनाए रखने के लिए उन्हें प्रोत्साहन देना सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने में संगठनों और निभाई गई उत्प्रेरक भूमिका को पहचान कर संपूर्ण स्वच्छता अभियान कार्यान्वयन सामाजिक गतिशीलता को बढ़ाना इसमें हम यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि हम यह समझ रहे हैं कि इसका कार्यान्वयन कैसे किया जाए जब हम इन सब योजनाओं का कार्यान्वयन ठीक से करेंगे तभी इसकी सफलता हो पाएगी और इसके सफल कार्यान्वयन में वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है साथ ही आपने यह भी देखा कि उस समय भी खुले में शौच की समस्या पर चिंतन की जा रही थी ऐसी बात नहीं है कि हम आजकल सजग हो गए हैं कि खुले में शौच से व्यक्ति को नुकसान होगा पर्यावरण को नुकसान होगा व्यक्ति की गरिमा की रक्षा नहीं हो पाएगी उसी तरह से मानव अधिकार की हम रक्षा नहीं कर पाते हैं कई कारणों से खुले में शौच नुकसानदायक है इस चीज़ का आभास हमें बहुत पहले हो गया था इसीलिए उस योजना में भी इस पर गंभीर चर्चा की गई थी इस तरह से इसके बाद अगर हम चलें तो हम यह देखते हैं कि सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों तक ही स्वास्थ्य की समस्या सीमित नहीं थी शहरी क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य की समस्या पाई जा रही थी इसीलिए 2008 में राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति लाई गई जिसका विजन ऐसा था सभी भारतीय शहर और कस्बे पूरी तरह से स्वच्छ स्वस्थ और रहने योग्य बने और शहरी गरीबों और महिलाओं के लिए स्वच्छ और सस्ती स्वच्छता सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने के साथ अपने सभी नागरिकों के लिए अच्छे सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय परिणामों को सुनिश्चित करना और बनाए रखना इसके जो समग्र उद्देश्य थे वह यह था कि शहरी भारत को समुदाय संचालित पूरी तरह से स्वच्छ स्वस्थ और रहने योग्य नगरों और शहरों में बदलना यहां अब आप यह समझ सकते हैं इसके समग्र उद्देश्य से यह निहित है कि एक तो ग्रामीण क्षेत्रों में ही सिर्फ स्वच्छता या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं नहीं हुआ करती थी बल्कि 2008 में भी यह समस्या थी और इसीलिए यह एक नीति का भी अंग बना आप समझ सकते हैं शहरों में आप देखते होंगे कि बड़े बड़े अट्टालिकाएं हैं बड़े बड़े भवनों का निर्माण किया गया है उससे आप, आप यह भी सोचने को हो सकते हैं कि यह जो विकास है वह किस स्थिति में किया गया है क्या इस विकास के द्वारा किसी का विनाश भी हुआ है क्योंकि उस शहर की जो क्या क्षेत्रफल है वह सीमित है किसी शहर को एक स्तर से ज़्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता है जब उसी शहर में और कई विकास होंगे उस विकास के नाम पर ऐसा भी हो सकता है कुछ ख़ास वर्गों के लिए कुछ ख़ास क्षेत्रों के लिए वह विकास असली में विकास न हो और इसका ही परिचायक है शहरों में अलग अलग क्षेत्रों में गंदी बस्तियों का बहुत तीव्र गति से विकास होना गंदी बस्ती या मलिन बस्ती निश्चित रूप से आप जान सकते हैं किसी शहर के लिए एक बहुत बड़ी समस्या मानी जाती है बहुत बड़ा चुनौती रहता है किसी शहर के लिए क्योंकि जिस शहर में आप रह रहे हैं उसी शहर के एक भाग में कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां आप सामान्य रूप से चल भी नहीं सकते हैं जहां आप सामान्य रूप से चल नहीं सकते हैं सांस नहीं ले सकते हैं देख नहीं सकते हैं उसी क्षेत्र में आप ही के जैसा कोई व्यक्ति कई लोग हजारों लाखों लोग रह रहे हैं उनके लिए पीने की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है पानी नहीं है उनके शौच की व्यवस्था नहीं है स्वच्छता के प्रसंग तो आप ऐसे क्षेत्रों में सोच ही नहीं सकते हैं अब आप सोचिए कि ऐसे जो स्वच्छता का माहौल जहां बिल्कुल ही नगण्य है जहां इसके प्रसंग कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता है वहां का स्वास्थ्य का स्तर क्या होगा और अगर वहां स्वास्थ्य का स्तर उतना अच्छा नहीं है तो वहां के लोग अपनी भूमिका समाज में अपनी भूमिका किस तरह से निभा पाएंगे क्योंकि अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है मन स्वस्थ नहीं है तो विकास की योजनाओं में आप कैसे अपना हाथ बटा सकते हैं कैसे आप प्रयास करेंगे कि हमारे राष्ट्र का विकास हो हमारे समाज का विकास हो क्योंकि इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप स्वस्थ रहें और स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है कि आपके आसपास का जो पर्यावरण हो आपके आसपास का जो क्षेत्र हो वह निश्चित रूप से स्वच्छ हो तभी तो आप स्वस्थ रह सकते हैं तो शहरों में इसकी बहुत बड़ी समस्या है जबकि सामान्य रूप में माना जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग कम पढ़े लिखे होते हैं जागरूक नहीं होते हैं इसलिए कई तरह की समस्याएं है आती हैं जबकि ऐसा देखा जाता है कि शहरी क्षेत्रों में भी गंदी बस्तियों के खास करके गंदी बस्ती जैसे क्षेत्र में जब आप यह देखें कि वहाँ की जो व्यवस्था है वहाँ की जो दुर्व्यवस्था है इससे निश्चित रूप से आपको चिंतित होना स्वाभाविक है और यह दशा आज नहीं है बहुत पहले भी हो रहा हो रहा था और इसी के कारण जब इसके संदर्भ में नीति बनाई गई तो यह जो शहर से संबंधित जो स्वच्छता या इसके संबंधित जो इस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं या किसी क्षेत्र में ध्यान दिया जा रहा है किसी क्षेत्र में ध्यान नहीं दिया जा रहा है इसीलिए इसको नीतिगत रूप से लिखा गया और इसीलिए यह नीति का भी अंग बना अब अगर हम इसके अन्य उद्देश्यों की चर्चा करें तो वह कुछ इस प्रकार से हैं जागरूकता सृजन और व्यवहार परिवर्तन जैसा कि आप सब जानते हैं स्वच्छता के समाजशास्त्र की जब हम शुरुआत में चर्चा कर रहे थे तभी हम इस बात पर बल दे रहे थे कि व्यवहार परिवर्तन इस पाठ्यक्रम का मूल उद्देश्य है व्यवहार परिवर्तन से निश्चित रूप से आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि जब हम जागरूक होंगे तो सबसे पहले हमें व्यवहार परिवर्तन की जरूरत है निश्चित रूप से आज हम विभिन्न योजनाओं की चर्चा कर रहे हैं योजनाएं सरकार द्वारा बनाई जाती है इसके लिए क्रियान्वित करने के लिए कुछ अधिकारी होते हैं या उनका काम होता है लेकिन एक समाज के सजग और सक्रिय सदस्य होने के नाते हमारी भी अपनी कुछ अहम भूमिका होती है और वह भूमिका हमें यह करनी होगी कि न सिर्फ हम ऐसा देखें कि वह कार्यक्रम चल रहा है कि नहीं वह नीति ठीक से पालन किया जा रहा है कि नहीं अपितु मेरे परिवार में हम मैं या हमारे परिवार के अन्य सदस्य किस तरह से स्वच्छता का माहौल बना रहे हैं इसके लिए हमें अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा क्योंकि सरकार की कोई भी संस्थाएं या ऐसी कोई भी योजनाएं आपको बलपूर्वक आपका व्यवहार परिवर्तन नहीं करा सकती है और हम अगर स्वयं चाहें स्वयं अनुभव करें इस बात की हमें अनुभव हो कि हमारा व्यवहार परिवर्तन करना अनिवार्य है तभी हम व्यवहार परिवर्तन कर सकते हैं व्यवहार परिवर्तन से यह लाभ होगा कि अगर आप अपना व्यवहार ठीक रखते हैं व्यवहार ठीक रखने रखने से यहां तात्पर्य है स्वच्छता से संबंधित अपना व्यवहार आप उचित करते हैं आप संवेदनशील व्यवहार करते हैं स्वच्छता संबंधित निश्चित रूप से आपके आस पड़ोस जो व्यक्ति रहते हैं आपकी जो अगली पीढ़ी है आपका जो व्यवहार करते हुए आपका बच्चा देख रहा है आपके सगर संबंधी देख रहे हैं या जब आप अपने कार्य क्षेत्र में हैं या और कहीं पर हैं वहाँ जो लोग आपको देख रहे हैं निश्चित रूप से उनको भी कुछ न कुछ प्रेरणा मिलेगी ही इसीलिए यह योजना है या कई नीति हैं यह तो अपने स्तर पर काम करेगी ही आपको भी अपने स्तर पर अपने व्यवहार में आमूलचूल परिवर्तन लाना पड़ेगा स्वच्छता से संबंधित और यह भी इसका एक निश्चित रूप से महत्वपूर्ण उद्देश्य था जो आपने अभी देखा इसके और उद्देश्य इस प्रकार से हैं खुले में शौच से मुक्त शहर आप सब जानते हैं कि जब भी आप कहीं जा रहे होंगे ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में ही खुले में शौच एक बहुत बड़ी समस्या है अपितु शहरों में भी ये बहुत बड़ी समस्या है न सिर्फ गंदी बस्तियों में अपितु जब आप जा रहे होंगे रेलवे लाइन के बगल में दूर दूर तक आप देखते होंगे कि लोग खुले में शौच अभी भी कर रहे हैं शहरों में ये तब भी समस्या थी खुले में शौच रोकने के लिए इस योजना में विशेष प्रावधान किया गया था और निश्चित रूप से जैसा कि आप जानते हैं खुले में शौच को अगर रोकना होगा उसके लिए हमें वैकल्पिक व्यवस्था भी देनी पड़ेगी बिना वैकल्पिक व्यवस्था के लोग खुले में शौच को नहीं रोक सकते हैं साथ ही वैकल्पिक व्यवस्था भी हो उसके साथ मनोवैज्ञानिक रूप से भी उन लोगों को जो वर्षों से खुले में शौच करते आ रहे हैं उनको मनोवैज्ञानिक रूप से भी तैयार करना पड़ेगा उनको बताना पड़ेगा कि खुले में शौच करने से न सिर्फ आपको कई परेशानियां होंगी बल्कि दूसरे लोगों को भी आपके कारण कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है साथ ही आपके घर के जो बच्चे हैं या कल जाके जो वही बड़े होंगे उनके लिए हम कैसा भविष्य छोड़ रहे हैं इस पर भी हमें चिंतन करने की ज़रूरत है साथ ही खुले में शौच न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके परिवार की महिलाएँ जो हैं उनके लिए जया कष्टदारी है इन सब चीज़ों से बताकर मनोवैज्ञानिक रूप से उनको तैयार करके भी खुले में शौच रोकने के लिए हम प्रेरित कर सकते हैं यही इस योजना का मूल उद्देश्य भी था इसके अगला उद्देश्य है एकीकृत शहर व्यापी स्वच्छता जैसा कि आप जानते हैं शहर में कई योजनाएं रहती हैं जब कई योजनाएं रहती हैं उसको अगर हम एकीकृत एक कर लेते हैं इंटीग्रेटेड कर लेते हैं तब हम उसको सही दिशा में काम करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि कई योजनाओं का या जब हम एक साथ मिलकर कई लोग एक दिशा में सोचना शुरू करते हैं अपना कार्य करना शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से उसके योजना की सफल होने की ज्यादा संभावना होती है इस तरह से इसमें यह देखा गया कि पहले हमने चर्चा की वह योजना जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए था उसके बाद हमने उस योजना पर चर्चा की जो शहरी क्षेत्रों के लिए है जब हम शहरी क्षेत्रों की चर्चा कर रहे थे तब भी आप जानिए कि वहां भी भले ही स्कूल कॉलेज बहुत ज्यादा हो लोग तथाकथित पढ़े लिखे लोग रहते हैं किंतु लोगों के व्यवहार परिवर्तन में वहाँ के जो उनकी वैयक्तिक जानकारी है उससे ही सब कुछ संभव नहीं हो पाता है अपितु उनको अलग तरह से स्वच्छता से संबंधित जागरूकता देने की जरूरत है साथ ही यह भी देखा गया कि ऐसा नहीं है जो गंदी बस्ती के लोग वही सिर्फ स्वच्छता से संबंधित गलत काम कर रहे हैं या वैसे लोग जो कम पढ़े लिखे हैं कम जागरूक लोग हैं वही ऐसा काम करते हैं अपितु बड़े शहरों में ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे भी लोग हैं जो खूब पढ़े लिखे हैं खूब समझदार हैं उच्च पद पर हैं सामाजिक परिस्थिति उनकी बहुत बड़ी है किंतु वह भी स्वच्छता से संबंधित जब व्यवहार करने लग जाते हैं निश्चित रूप से वह स्वीकार्यो योग्य नहीं है यहां हमें यह ध्यान देने की जरूरत है निश्चित रूप से खुले में सोच उनकी समस्या नहीं है क्योंकि उनके वो बड़े घर में रहते हैं उनके पास ऐसे शौचालय की व्यवस्था कर दी गई है और वो इस तरह से से खुद ही आर्थिक रूप से संभव है उनके लिए ऐसे बड़े शौचालय का निर्माण कर लेना उनके पास समस्या यह देखी जाती है कि वह जब अपने पालतू जानवर को ले जाते हैं शौच कराने अब वह देखते हैं कि हमारे घर के आसपास वह जो उनका पालतू जानवर है वह तो हमारा घर के आसपास का क्षेत्र स्वच्छता से ठीक रहे वह ले जाके किसी पड़ोसी के घर के सामने या किसी अन्य जगह पर जाकर जब वह उसको शौच करवा देते हैं इसमें भी आपको देखना होगा कि स्वच्छता से संबंधित यह जो हमारी मनोदशा है यह जो मनोवृत्ति है इसको आप ठीक नहीं मान सकते हैं इस तरह से आपको यह जानना होगा कि ना सिर्फ ऐसे लोग जो गंदी बस्ती में रह रहे हैं जो ऐसा मान लिया जाता है कि वह कम पढ़े लिखे और जागरूक हैं, कम जागरूक हैं। किंतु जो बड़े बड़े लोग हैं ऐसे विशाल क्षेत्र में रह रहे हैं जहां हम यह मानते हैं कि उच्च पदस्थ लोग रह रहे हैं वहां के लोगों की परिस्थिति काफी ऊंची है उन लोगों को भी उन लोगों की मानसिकता भी बदलने की जरूरत है और उन लोगों को भी अपने मनोवृत्ति में परिवर्तन लाना होगा जिससे न सिर्फ वो स्वयं का बल्कि दूसरों का भी ऐसा कुछ माहौल ना बनाए जिससे दूसरे को भी स्वच्छता से संबंधित परेशानियां होने लगे इसके आगे अगर हम चलते हैं तो अगले जो अभियान है वह है निर्मल भारत अभियान यह दो में आया था निर्मल भारत अभियान इसमें ऐसा था कि संपूर्ण स्वच्छता अभियान नाम बदलकर निर्मल भारत अभियान कर दिया गया इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज में तेजी लाना ताकि नवीनीकृत रणनीतियों और संतृप्त दृष्टिकोण के माध्यम से ग्रामीण समुदाय को व्यापक रूप से कवर किया जा सके निर्मल भारत अभियान ने निर्मल ग्राम पंचायतें बनाने की दृष्टि से संतृप्त परिणामों के लिए पूरे समुदाय को कवर करने की परिकल्पना की जैसा कि आप सब जानते हैं कि निर्मल नाम ही है स्वच्छ का निर्मल भारत अभियान में यह पूरी व्यवस्था की गई थी कि स्वच्छता से संबंधित जो ऐसे कई योजनाएं हैं जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में इस पर पूरा ध्यान दिया गया था जब हम यह चर्चा कर रहे थे निर्मल भारत योजना उसमें वह सब उद्देश्य अंतर्निहित था जिससे किसी भी समाज को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए या वहां का पर्यावरण जो है वह शुद्ध रखने के लिए वहां किसी तरह से जल प्रदूषण वायु प्रदूषण मृदा प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण न हो इन सब के बारे में चर्चा की गई थी और जिसके कारण लोग निश्चित रूप से अपने आप को स्वच्छ रख सकते थे अगर हम इन सब की चर्चा अभी कर चुके हैं जो बहुत पहले शुरुआत कर दी गई थी आजकल आप लोग आपसी चर्चा में या सब कोई जानता है स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ भारत अभियान के बारे में आप सब ने जरूर नाम सुना होगा और चूंकि यह कार्यक्रम बहुत जोर शोर से चलाया जा रहा है आपके क्षेत्र में भी चल रहा होगा आपने बहुत अच्छी तरह से नाम भी सुना होगा और लगभग इसका 10 साल भी हो गया है 2014 में ही शुरू हुआ था स्वच्छ भारत अभियान को यह जो पाठ्यक्रम है स्वच्छता का समाजशास्त्र इस पर इसका विशेष प्रभाव है और स्वच्छ भारत अभियान में अगर आप स्वच्छता का जो समाजशास्त्र पाठ्यक्रम है इस पर पढ़कर इस पर अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे तो आपकी भूमिका स्वच्छ भारत अभियान को सुचारू रूप से चलाने में भी हो सकती है माना जाएगा कि स्वच्छ भारत अभियान में आपने भी अपनी आहुति दी है अब हम चर्चा करते हैं कुछ मूलभूत तत्व जो है उद्देश हैं उद्देश्य हैं स्वच्छ भारत से संबंधित स्वच्छ भारत अभियान कैसे चला कब चला इसके बारे में हम अब कुछ चर्चा कर लेते हैं महात्मा गांधी के स्वच्छ और स्वस्थ भारत के सपने को पूरा करने के लिए 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई इसका प्राथमिक उद्देश्य था 2 अक्टूबर 2019 तक प्रत्येक परिवार को शौचालय ठोस और तरल अपशिष्ट निपटान प्रणाली गांव की स्वच्छता और सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल आपूर्ति सहित स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करना जैसा कि आप सब जानते हैं महात्मा गांधी का नाम और स्वच्छता एक तरह से पर्यायवाची शब्द बन गए हैं क्योंकि महात्मा गांधी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी स्वच्छता से संबंधित और जैसा कि आपको विदित होगा महात्मा गांधी के लिए स्वराज से ज्यादा महत्वपूर्ण स्वच्छता थी अर्थात महात्मा गांधी यह बोलते थे कि स्वराज से पहले भी हमें स्वच्छता की जरूरत है और न सिर्फ महात्मा गांधी स्वच्छता से संबंधित लोगों को प्रेरित करते थे लोगों को करने के लिए कहते थे लोगों को लो जागरूक करते थे स्वच्छता से संबंधित मुद्दों पर अपितु वह स्वयं स्वच्छता संबंधी अपना कार्य स्वयं किया करते थे क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है वह ऊंच नीच और जातिगत विभेदों में नहीं फंसे हुए थे वह यह मानते थे कि जितने मनुष्य हैं सबको समान रूप से जीने का अधिकार है जितने भी व्यक्ति हैं चाहे वो किसी जाति धर्म का हो उसको किसी तरह से उसकी गरिमा का हनन नहीं किया जाना चाहिए सबको समान रूप से मानव अधिकार मिले हुए हैं इस तरह से बिना किसी भेदभाव के समाज के हर व्यक्ति को निश्चित रूप से समान रूप से जीने का अधिकार है ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यह निम्न कार्य है यह निम्न जाति के लोग करेंगे यह उच्च कार्य है यह उच्च जाति के लोग करेंगे ऐसी कोई भी सोच हमें नहीं रखना चाहिए और जिसका अक्षरश पालन करते थे स्वयं महात्मा गांधी तो महात्मा गांधी के यह जो योगदान है स्वच्छता से संबंधित क्योंकि किसी के लिए उस समय यह मान लेना जब हमारा देश पराधीन था उस स्थिति में यह मान लेना कि स्वतंत्रता से भी ज़्यादा स्वराज से भी ज़्यादा स्वच्छता महत्वपूर्ण है एक बहुत बड़ी बात है आप महात्मा गांधी की दूरदर्शिता का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि आज जो हम समस्या का सामना कर रहे हैं आज जो स्वच्छता संबंधित हमारे पास कई चुनौतियां हैं इसका उन्होंने पहले ही अनुमान लगा लिया था और उन्हीं की दूरदर्शिता का परिणाम है कि इसके कारण हम आज भी इस स्तर तक पहुंच पाए कि हम कुछ स्वच्छता से संबंधित वार्तालाप कर रहे हैं या इसके बारे में सजग हुए हैं इसीलिए सोचा गया कि महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के स्वरूप इसीलिए 2 अक्टूबर को ही 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी इसके बारे में अगर और जानकारी पर हम चर्चा करें वह कुछ इस प्रकार है इसके दो उप मिशन बनाए गए हैं स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण और स्वच्छ भारत अभियान शहरी यह दो चरण में कार्यान्वित किया जाना है स्वच्छ भारत मिशन का पहला चरण अक्टूबर 2019 तक चला चरण एक के काम को पुख्ता करने में मदद के लिए चरण दो को दो हजार से 2024 25 के बीच लागू किया जा रहा है अर्थात वर्तमान जो समय है इसमें स्वच्छ भारत अभियान का दूसरा चरण चल रहा है जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्तमान में जो दूसरा चरण चल रहा है इसमें आप देखते होंगे कि आजकल के बच्चे भी स्वच्छ भारत अभियान के तहत अपना योगदान दे रहे हैं विभिन्न विद्यालयों में महाविद्यालयों में या विश्वविद्यालय स्तर पर भी कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं आपने देखा होगा कि साफ सफाई कई स्तर पर किए जा रहे हैं आपने देखा होगा कि लोग वृक्षारोपण कार्यक्रम कर रहे हैं आपने देखा होगा कि लोग यातायात के साधनों में अगर एक ही साथ एक ही जगह लोगों को जाना है निश्चित रूप से वह समान साधन का उपयोग करते हैं कार पूल करते हैं और कैसी ऐसी कई ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाया जाए आज के वर्तमान भारत में स्वच्छ भारत अभियान सब चारों ओर चर्चा कर रहे हैं और बच्चों से लेकर बड़ों तक सब इसमें लगे हुए हैं सब यह सोच रहे हैं कि कैसे हमारा राष्ट्र स्वच्छ हो स्वस्थ हो समृद्ध हो सुंदर हो अगर हम स्वच्छ भारत अभियान की बात करें तो स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के लिए जैसे बच्चे लगे हुए हैं उनको विद्यालयों में प्रेरित किया जाता है उनको शिक्षकों द्वारा बताया जा रहा है साथ ही गंदगी कैसे किसको कहते हैं स्वच्छता क्या है शौच से मुक्ति किस तरह से मिल सकती है इन सब विभिन्न विषयों पर निश्चित रूप से चारों ओर चर्चा हो रही है और आजकल ऐसा माहौल बन गया है जो सबको पता है स्वच्छ भारत अभियान क्या है स्वच्छ भारत अभियान जो शुरुआत की गई थी 2014 में उसके कुछ उद्देश्य इस प्रकार से हैं समग्र तरीके से स्वच्छता और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना जैसा कि हम पिछले व्याख्यान में चर्चा कर चुके थे कि स्वच्छता और स्वास्थ्य निश्चित रूप से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है हम अच्छे स्वास्थ्य की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम अच्छे स्वच्छता की बात न करें यह इसमें जोर दिया गया स्वच्छता और स्वस्थता को अगर जोड़ा गया इससे एक छोटा बच्चा भी और बड़े भी जान गए उनको यह आभास हो गया कि हमको स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता की कितनी अनिवार्यता है इसका आभास तो सबको हो ही गया था और जब 2020 में कोरोना वायरस का प्रभाव आया और तब जब हम लोग अलग, अलग अलग तरह से अलग अलग समय में जब हम लोग पीड़ित होना शुरू हुए इस कोरोना वायरस से तब लोगों को और अच्छी तरह पता चला कि स्वच्छता का स्वास्थ्य से क्या संबंध है क्योंकि आप सबने देखा होगा उस समय कि किस तरह से हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा ही सजग हो गए थे क्योंकि हम सब ने वह देखा हम सब ने अपनों को खोया हम सब बहुत कुछ उसमें खो चुके थे कोरोना वायरस में और इस तरह हमने यह समझा कि अगर स्वच्छता का माहौल रखने से हम स्वस्थ रह सकते हैं या ऐसे कई महामारी है जिससे हम बच सकते हैं तो निश्चित रूप से स्वच्छता का निश्चित रूप से प्रचार प्रसार होना चाहिए और हमें यह आभास हुआ कि स्वच्छता अनिवार्य है स्वस्थ रहने के लिए क्योंकि हम यह मानते हैं कि जब भी कोई प्रलय होता है या जब भी कई तरह की बीमारियां होती हैं उसमें जब हम पाते हैं तो सामान्य रूप से आपको आपको डॉक्टर भी बताते हैं कि आप ठीक से रहिए स्वच्छ रहिए या आपका वातावरण कैसा है इस तरह से हमें पता चलता है कि अगर हम स्वच्छता का माहौल बनाए हुए हैं तो हम कम बीमार पड़ते हैं और यही कारण है कि विश्व स्तर पर ऐसा पाया गया कि कई बार दो विश्व कई बार जो विश्व युद्ध हो चुके हैं या दो राष्ट्रों के बीच युद्ध हो रहा है दो राष्ट्रों के बीच युद्ध में या और कई ऐसे जो आते हैं समस्याएं समाज में आपस में लोग लड़ते हैं कई तरह से लोग मारे जा रहे हैं उसकी तुलना में स्वच्छता या इसकी अनदेखा करने के कारण जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं उससे लोग ज़्यादा मारे जा रहे हैं इस तरह से हमें यह अच्छी तरह अनुभूति हो चुका है कि स्वच्छता और स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है अगर हमें स्वस्थ रहना है तो स्वच्छता का वातावरण निश्चित रूप से हमें बनाना है और इसीलिए जब स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य निर्धारित किया गया तो इसका पहला उद्देश्य यह बनाया गया कि स्वच्छता और स्वास्थ्य को एक दूसरे से जोड़ के देखने की आवश्यकता है यही इसका पहला उद्देश्य है खुले में शौच की घटनाओं को कम करना जैसा कि आप सब जानते हैं आजकल खुले में शौच की समस्या की चारों ओर चर्चा हो रही है हर व्यक्ति चर्चा कर रहे हैं ओडीएफ ओडीएफ अर्थात खुले में शौच मुक्त हमारा क्षेत्र है कि नहीं जिसको ओपन डेफिकेशन फ्री या ओडीएफ भी कहते हैं हमारा क्षेत्र अगर खुले में शौच मुक्त है इससे हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और अब स्वच्छ भारत अभियान की सफलता इस रफ्तार से तीव्र गति से आगे बढ़ रही है कि हम ओ प्लस की बात कर रहे हैं अर्थात खुले में शौच मुक्त से एक स्तर आगे जा रहे हैं जिसमें हम खुले में शौच मुक्त के लिए ही सिर्फ तत्पर नहीं हैं अपितु स्वास्थ्य रहने के लिए या स्वच्छता से संबंधित और जो कई उपागम हैं और जो कई अनिवार्य चीज़ें हैं उस पर भी हम विचार करना शुरू कर दिए हैं कि इसको भी कैसे इन समस्याओं को कैसे दूर किया जाए तो खुले में शौच की समस्या जो है स्वच्छ भारत अभियान में इसको बहुत गंभीरता से लिया गया है क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं खुले में शौच किसी तरह से अच्छा इसको नहीं माना जा सकता है खुले में शौच पुरुषों के लिए भी एक समस्या है पुरुषों के लिए भी गरिमा का की बात है पुरुषों के लिए भी इसके कई तरह के शारीरिक और मानसिक स्थिति जुड़ी हुई है किंतु यह महिलाओं के लिए और बड़ी समस्या मानी जाती है खुले में शौच क्योंकि उनकी शारीरिक और जैविक आवश्यकता ऐसी है जो अगर शौचालय न हो तो उनको ज्यादा कठिनाइयां झेलनी पड़ती है और खास करके ऐसे सुदूर क्षेत्र जहाँ खुले में शौच जाने के लिए उनको दूर जाना पड़ता है और जैसा कि आप सबको जानकारी है कि खुले में शौच जाने के लिए महिलाएं दिन में नहीं जा सकती हैं सामाजिक मान्यताएं सांस्कृतिक मान्यताओं के कारण निश्चित रूप से वह रात में जाती हैं अंधेरे में जाती हैं इसके कारण उनको और कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है जैसे सांप से और या अन्य जानवरों से भी उन्हें भय होता है साथ ही कई बार असामाजिक तत्वों द्वारा छेड़खानी या जो बलात्कार की घटनाएं भी घट जाती हैं इस तरह से यह देखा जाता है कि खुले में शौच निश्चित रूप से तुरंत प्रभाव से पूर्णतः बंद किया जाना चाहिए पूर्णतः बंद हो जाना चाहिए और खुले में शौच न सिर्फ ऐसी समस्या है जिसको हम सिर्फ आर्थिक आधार पर या घर में शौचालय बना देने से ही समाधान कर सकते हैं बल्कि हमें मनोवैज्ञानिक रूप से भी उन व्यक्तियों को तैयार करना होगा कि खुले में शौच किसी तरह से अच्छा नहीं है क्योंकि कई अध्ययनों पर ऐसा पाया गया है कि घर में शौचालय की सुविधा है शौचालय बनाया गया है फिर भी लोग उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं अपितु उसका उपयोग किसी अन्य कामों के लिए कर रहे हैं जो किसी तरह से निश्चित ही सराहनीय कदम नहीं है इस तरह से आप सबको समझना चाहिए कि खुले में शौच जिसको कि दूसरा उद्देश्य माना गया है स्वच्छ भारत अभियान में इसको तुरंत प्रभाव से रोकना चाहिए या हमारे आसपास अभी भी अगर कुछ लोग खुले में शौच जा रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें प्रेरित करना चाहिए कि वह खुले में शौच न जाए और घर में शौचालय बनवाएं जिससे अपनी भी और अपने घर में जो उनकी महिलाएं हैं उनकी भी शारीरिक भी रक्षा हो मानसिक रक्षा भी हो सामाजिक रक्षा भी हो मानव अधिकार का भी हनन न हो और उनकी गरिमा का भी रक्षा हो स्वच्छ भारत अभियान का जो तीसरा लक्ष्य है वह है ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना जैसा कि आप सब जानते हैं जीवन की गुणवत्ता में निश्चित रूप से सुधार करने की जरूरत है क्योंकि जीवन जीने के जो तरीके हैं उस पर भी निर्भर करता है कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा या आपके आसपास की स्वच्छता का माहौल कैसा है और उसमें गुणवत्ता में हम तब सुधार ला सकते हैं जब हम यह देखें कि हाँ हम सिर्फ विकास के या आधुनिकीकरण के अंधे दौर में न दौड़ पड़ें अपितु तो यह देखें कि इसका पर्यावरण के साथ क्या संबंध है हमारी परंपरा के साथ क्या संबंध है और अगर हम पर्यावरण के साथ मिलके चलते रहेंगे तो हमारे समाज का भी विकास होगा स्वच्छता से संबंधित कोई समस्याएं भी नहीं होगी और हमारा व्यक्तिगत विकास भी होगा इसका अगला उद्देश्य है स्थायी स्वच्छता प्रथाओं की अवधारणा को प्रोत्साहित करना यहां अब स्वच्छता प्रथा देखिए यहां आपको कई बिंदु पर सोचना पड़ेगा प्रत्येक समाज में चाहे आप किसी भी धर्म जाति या क्षेत्र विशेष के हों आपके यहाँ कुछ स्वच्छता प्रथा जरूर हो गई जो अच्छी है उनको आपको करना चाहिए और उनको आपको आगे बढ़ाना चाहिए जैसे आप जिस किसी भी धर्म में हो आपको कहा गया है कि पवित्र आप हमेशा रहें स्नान आदि करें या जब कई ऐसी धार्मिक कार्य हैं उस समय कहा गया है कि आपको पवित्र होकर ही वह धार्मिक कार्य करना होता है अगर हम परंपरा की बात करें तो भारत में तो मनसा वाचा कर्मना पवित्रता की बात की गई है न सिर्फ आप बाहरी आवरण रूप से स्वच्छ हों अपितु आप मन से भी पवित्र हों वचन से भी पवित्र हों और उसी तरह से आप यह सोचें कि आप संपूर्ण रूप से अपने को पवित्र रखें जब हम इस स्वास्थ्य से संबंधित स्वच्छता से संबंधित प्रथा की बात करते हैं आपको यह भी देखना चाहिए कि लैंगिक असमानता भी इसमें एक प्रमुख समस्या बन गई है लैंगिक असमानता को जब हम स्वास्थ्य प्रथाओं के बारे में देखते हैं कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कुछ खास दिनों में जिसको मैनस्ट्रल पीरियड में या मासिक धर्म के समय में महिलाओं को अपवित्र माना जाता है उनको मुख्य कार्य से दूर रखा जाता है और उनको कई ऐसे काम नहीं करने दिए जाते हैं या उनके साथ उस तरह से व्यवहार किया जाता है जैसे वह कोई अछूत हो या वह सामान्य समाज के अंग न हो इसको एक जैविक कारक ही माना जाना चाहिए इसको एक सामान्य प्रक्रिया भी माना जाना चाहिए और मनोवैज्ञानिक रूप से हमें उन महिलाओं को किसी तरह का यातना ना देना चाहिए जिससे उनको यह लगे कि यह कोई असामान्य घटनाएं हैं यह एक सृष्टि के लिए सामान्य घटना है और इसको सामान्य रूप से ही हम लें इसी तरह से आपके समाज में कई तरह की ऐसे स्वास्थ्य संबंधित प्रथाएं होंगी जैसे जब आप भोजन करते हैं तो किस में भोजन करते हैं जब आप जल पीते हैं किस में जल पीते हैं आपके खान पान रहन सहन सब में निश्चित रूप से आपके क्षेत्र से संबंधित कोई न कोई मान्यताएं होंगी कोई ना कोई विशेषताएं होंगी उसको अपनाएं साथ ही अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसी कोई कुरीति है या ऐसी कोई व्यवस्था है जिसको वैकल्पिक साधनों के द्वारा उसको दूर किया जा सकता है निश्चित रूप से आप उसके वैकल्पिक साधनों के बारे में सोचें कि भले ही यह प्रथा चली आ रही है लेकिन आपको लग रहा है कि समाज के लिए अच्छा नहीं है कल के बच्चों के लिए अच्छा नहीं है पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है उसको आप तुरंत से रोकें यह आपका एक महत्वपूर्ण योगदान होगा और जो कि स्वच्छ भारत अभियान का एक प्रमुख उद्देश्य भी है इसी तरह से स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में जागरूकता पैदा करना जैसा कि हम लोग अभी चर्चा कर चुके थे इसके बारे में लोगों को जागरूक होने की जरूरत है भारत को सतत विकास लक्ष्य क्षेत्र तक पहुँचने में मदद करना जैसा कि पिछले व्याख्यान में हम चर्चा कर रहे थे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं सतत विकास लक्ष्य आप जानते हैं सतत विकास की जब हम चर्चा करते हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि हमारा विकास ऐसा हो जिसमें आज का भी विकास निश्चित हो अर्थात वर्तमान समय में भी हम प्रगति करें वर्तमान समय में भी हम खुशहाल रहें साथ ही हमारा जो कल है आने वाला भविष्य है वह भी खुशहाल रहे आज हम चाहे वो संसाधन हो चाहे पर्यावरण हो चाहे किसी चीज़ का हम उसी तरह से उपयोग करें उसी तरह से दोहन करें जिससे हम आज हमारी आवश्यकता पूरी हो जाए और साथ ही कल भी हमारा भविष्य ठीक हो न सिर्फ हम अपने लिए कल रखें अपितु तो अपने अगली पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित पर्यावरण सुरक्षित स्वास्थ्य और सुरक्षित स्वच्छता का वातावरण दें सतत विकास इसी को कहा जाता है कि विकास ऐसा हो जो आज का विकास कल के विनाश के लिए उत्तरदायी न हो आज का विकास हो कल का भी विकास हो साथ ही ऐसा भी हम विकास न सोचें, जो कल का विकास होगा लेकिन उसके कारण आज का विनाश हो रहा है ऐसा भी न हो अब जब हम वर्तमान और भविष्य दोनों के बारे में सोचते हुए तब विकास की परिकल्पना करते हैं उसी को सतत विकास कहा गया है विश्व स्तर पर 2015 में निश्चित रूप से 17 ऐसे सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए थे जिसमें यह उम्मीद की गई थी कि 2030 तक हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे और आपको जानकर यह है। अच्छा लगेगा कि भारत उस विकास को प्राप्त करने में बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और बहुत हद तक अपना वह उपलब्धि दर्ज कर चुका है सतत विकास लक्ष्य जो है जो पर्यावरण और जल से संबंधित है उसको प्राप्त करने में भी स्वच्छ भारत अभियान अपनी अहम भूमिका निभा रही है और यह निश्चित रूप से चाहे वह स्वच्छ भारत अभियान हो चाहे स्वच्छता का समाजशास्त्र पाठ्यक्रम हो सतत विकास लक्ष्य का जो छठा लक्ष्य है इससे प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है इसी की उपलब्धि के बारे में यह उद्देश्य उल्लिखित उद्दे, किया गया है इसी तरह से कम लागत वाली स्वच्छता प्रयासों को प्रोत्साहित करना यह उन क्षेत्रों के लिए है ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो आर्थिक रूप से सबल नहीं है उनको भी अधिकार है कि वह स्वच्छता का पूरा का पूरा उपयोग लें इसीलिए कम लागत की बात की गई है जिससे वह प्रभावी भी हो और आर्थिक बोझ भी किसी पर न बन पाए उसी तरह से समुदाय प्रबंधित स्वच्छता प्रणाली विकसित करना वैज्ञानिक ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करना और महिलाओं लिंग पर सकारात्मक प्रभाव डालना और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देना जैसा कि आप सब जानते हैं इसमें चाहे वह ठोस और अपशिष्ट प्रबंधन की बात हो या फिर लैंगिक असमानता की बात हो आपने देखा होगा कि महिलाओं पर या लैंगिक समानताओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि निश्चित रूप से स्वच्छता जो है यह पुरुष और महिला दोनों के लिए अनिवार्य है किंतु जब हम का समानता की बाद जैसा कि चर्चा कर रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान में भी स्पष्ट रूप से महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान की व्यवस्था इसीलिए की गई है कि यह देखा जाता है कि स्वच्छता से संबंधित महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है कई स्तर पर एक तो पितृसत्तात्मक मानसिकता के कारण हम यह मान बैठते हैं कि घर की साफ़ सफाई या स्वच्छता या जो सब चीज है वह महिलाओं को ही करना चाहिए यह महिलाओं के लिए है पुरुषों के लिए नहीं है यहाँ तक कि जब हम घर में साफ सफाई की बात करते हैं वह सोच लेते हैं महिलाएं करेंगी अपितु बाहर से जब जल का प्रबंधन करना पड़ता है कई बार ग्रामीण क्षेत्रों में या सुदूर क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था घर के नज़दीक नहीं हो पाती है इसमें घर के बाहर हमें बहुत दूर से जल लाना पड़ता है इसमें भी हम जो लैंगिक असमानता स्पष्ट रूप से करते हैं जैसा कि एक बार एन के चौथे दौर में पूछा गया था कि घर में जो पानी लाते हैं वह कौन लाते हैं पुरुष या महिला उसमें उत्तर ऐसा आया था उस सर्वेक्षण में कि 80 प्रतिशत जो हैं महिलाएं जो कि 15 वर्ष से ऊपर हैं 80 प्रतिशत महिलाएं पानी लाती हैं जबकि सिर्फ सोलह प्रतिशत पुरुष ही जो पंद्रह वर्ष से ऊपर हैं, वह पानी लाने का काम करते हैं घर में अर्थात आप अंतर समझ सकते हैं अस्सी प्रतिशत काम महिलाएं कर रही हैं सिर्फ सोलह प्रतिशत ही पुरुष कर रहे हैं क्योंकि हमारी मानसिकता है स्वच्छता साफ सफाई घर का प्रबंधन जलावन जल यह सब महिलाएं ही करेंगी न सिर्फ महिलाएं और पुरुष में हम वयस्क होने पर अंतर करते हैं अपितु इसी सर्वेक्षण में पंद्रह साल से कम आयु की जो महिला थी बच्ची थी वह तीन प्रतिशत बच्ची जल लाती थी बाहर से, जबकि सिर्फ पुरुष बच्चा ही लाता था जल दूर से भर कर पानी अपने घर के लिए यहाँ लैंगिक असमानता स्पष्ट दृष्टिगोचर गो, हो रहा है हमें यह हमें अभियान में न सिर्फ खुले में शौच से संबंधित पुरुषों के लिए भी है महिलाओं के लिए भी है महिलाओं के लिए हमें जरूरत है अपितु इसके प्रसंग हमें सोचे जिससे तभी हम समाजे इसके अलावा एक जो अलग सी व्यवस्था की गई थी वह स्वच्छता एवं स्वच्छता रणनीति 2012-2014 और इसका उद्देश्य था पूरी तरह से स्वच्छ वातावरण का निर्माण दो हजार की समाप्ति और एक स्वच्छ वातावरण की उपलब्धि जहाँ को सुरक्षित रूप से समाहित और निपटाया जाए अपनाना 2020 तक ग्रामीण क्षेत्रों में और देखभाल करने वाले हर समय सुरक्षित स्वच्छता और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन 2022 का प्रभावी प्रबंधन ताकि गांव का वातावरण हर समय देख सकते हैं आप इस यह योजना भी बनाई गई थी ग्राम अभी चल रहा है इस पर अगर आप ध्यान दें तो इस तरह से हम कई तरह की ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिसका कई योजनाएं की गई हैं आपको यह अब सचेत विभिन्न स्तर पर सरकार द्वारा चलाई जा रही है आपको इसके क्रियान्वयन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है इस पर भी आपको सोचने की जरूरत है इस पर आज जो हमने चर्चा की है विभिन्न नीति और योजना पर इस पर अगर आप और गहन चिंतन करना चाहते हैं आपके लिए हमने एक संदर्भ सूची तैयार की है वह कुछ इस प्रकार है बी के नागला की पुस्तक है सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन रिचर्ड पायस की पुस्तक है सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन बिंदेश्वर पाठक की संपादित पुस्तक है सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन सैनिटेशन पब्लिक हेल्थ एंड सोशल डेप्रीवेशन बिंदेश्वर पाठक की दूसरी पुस्तक है इन्वायरमेंटल सैनिटेशन एंड इरेडिकेशन ऑफ स्केवेंजिंग इन इंडिया आशीष सक्सेना की पुस्तक है सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन जी आर पी सिंह की पुस्तक है स्वच्छता का समाजशास्त्र परिचय अनिल वघेला की पुस्तक है स्वच्छता का समाजशास्त्र इसके साथ ही भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के जो दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स हैं या वेबसाइट की भी आप मदद ले सकते हैं इस तरह से आपने देखा आज कि कई ऐसी सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं इसमें आप कैसे इसका लाभ ले सकते हैं और इसके क्या निहित उद्देश्य हैं और इसको इसके क्रियान्वयन में आपकी क्या भूमिका हो सकती है जिससे ऐसी योजनाएं सफल हो इस तरह आज हमने इस बात पर चर्चा की कि भारत में कौन कौन से नीति हैं और योजनाएं हैं हमारा जो अगला दसवां व्याख्यान होगा वह केंद्रित रहेगा सुलभ स्वच्छता आंदोलन पर स्वच्छता में सुलभ इंटरनेशनल का क्या योगदान है इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे अपने अगले व्याख्यान में सुलभ स्वच्छता आंदोलन और स्वच्छता में आपने काफी मनोयोग पूर्वक ध्यान से यह व्याख्यान सुना इसके लिए आपका धन्यवाद